हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रोसेस फर्स्ट का एक प्रिंटिंग, जिसे बोलते हैं ग्रेबियर प्रिंटिंग। और इस प्रोसेस में हम जानेंगे कि वो मशीन कैसी चलती है और कैसी होती है, उसका हम ग्राफ देखेंगे, उसमें सिलेंडर कितने लगे होते हैं और उससे क्या क्या प्रिंट किया जा सकता है और उसकी कार्यविधि कैसे ये काम करता है उसे देखेंगे, और इससे इसकी सूटेबिलिटी और इसका लिमिटेशन भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे कैसे होता है। तो एक डक्ट होता है जिसमें इंक भरी जाती है, इसमें इंक भरी है, इंक भरी है, तो इसे बोलेंगे इंक डक्ट। ये है इंक डक्ट। तो इसमें एक सिलेंडर जो होता है वो आधा इंक में डूबा हुआ चलता है। ये सिलेंडर आधा इंक में डूबा हुआ चलता है, और इसमें एक सिलेंडर और होता है जो इसके ऊपर रहता है। और इसका इमेज एरिया जो होता है कैसे बनता है, इमेज कैरियर ऐसे रहेगा, और इमेज एरिया इसमें नीचे रहेगा, इमेज एरिया, और नॉन इमेज एरिया ऊपर रहेगा। और ये इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया होती क्या है, तो इमेज एरिया वो है जो लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ नीचे लिखा रहेगा और ऊपर जो उठा रहेगा वो उस पर नहीं लिखा रहेगा। तो जिस पर जो लिखा है उसे बोलेंगे इमेज एरिया, और जहां पर नहीं लिखा है उसे बोलेंगे नॉन इमेज एरिया। जहां लिखा रहेगा उसे बोलेंगे इमेज एरिया, और जहां पर नहीं लिखा रहेगा उसे बोलेंगे नॉन इमेज एरिया। तो इसमें इमेज एरिया नीचे रहता है और नॉन इमेज एरिया ऊपर रहता है। तो इसमें इमेज कैरियर जो होता है वो ग्रेबियर सिलेंडर ही इमेज कैरियर का कार्य करता है, इसी पर इमेज कैरियर लगा हुआ होता है। इमेज कैरियर ग्रेबियर सिलेंडर पर लगा हुआ होता है। यह है ग्रेबियर सिलेंडर। ये ग्रेबियर सिलेंडर है, और ये है हमारा इम्प्रेशन सिलेंडर। इम्प्रेशन मतलब जो दाब देता है, ये हमें दाब देगा। तो यहाँ पर एक सब्सट्रेट लगाएंगे, सब्सट्रेट जिस पर इमेज एरिया में जो लिखा रहेगा वो सब्सट्रेट पर छप जाएगा। ये है इम्प्रेशन सिलेंडर। इम्प्रेशन सिलेंडर तो इसमें क्या है, पहले एक इंक डक्ट है, एक ग्रेबियर सिलेंडर है और एक इम्प्रेशन सिलेंडर है। तो इसमें ग्रेबियर सिलेंडर तो इंक में आधा डूबा रहता है, तो होगा क्या, इंक जो है इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों पर लग जाएगी। तो हमें नॉन इमेज एरिया की इंक तो चाहिए नहीं, नहीं तो पूरा सब्सट्रेट पर छप जाएगा। सब्सट्रेट बोलते हैं पेपर को। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एक डॉक्टर ब्लेड लगाते हैं। डॉक्टर ब्लेड करता क्या है, इमेज एरिया की इंक तो नीचे है, नॉन इमेज एरिया पर भी इंक लगी है, तो उसे वो साफ कर देता है। डॉक्टर ब्लेड का कार्य है कि नॉन इमेज एरिया की जो इंक है उभरा हुआ है उसको साफ कर देगा। तो
इम्प्रेशन सिलेंडर के इम्प्रेशन देने पर इमेज एरिया की इंक सब्सट्रेट पर छप जाएगी। तो इसका हम देखेंगे ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे है। पूरा ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस हम अब लिखना शुरू करेंगे। इस प्रिंटिंग प्रोसेस में हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे और इसे आप पूरा डिटेल में समझेंगे। इस प्रिंटिंग प्रोसेस में इमेज कैरियर के रूप में, यह इमेज कैरियर लगा हुआ है और यह ग्रेवियर सिलेंडर है। तो इमेज कैरियर के रूप में ये ग्रेवियर सिलेंडर कार्य कर रहा है। देखिए ग्रेवियर सिलेंडर पर ही इमेज कैरियर लगा हुआ है, इसमें कोई इमेज सिलेंडर कोई नहीं है। तो हम लिखेंगे इस प्रिंटिंग प्रोसेस में इमेज कैरियर के रूप में, ग्रेवियर सिलेंडर कार्य करता है। इमेज कैरियर के रूप में तो ग्रेवियर सिलेंडर कार्य कर रहा है और इसमें इंक डक्ट में आधा डूबा हुआ चल रहा है। जो इंक डक्ट में आधा डूबा हुआ चलता है, आधा डूबा हुआ चल रहा है, तो हमें इसे पूरा लिखना है पेपर में। तो लिखेंगे हम कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों पर इंक लग जाती है। इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों पर इंक लग जाती है। तो नॉन इमेज एरिया की इंक, नॉन इमेज एरिया की इंक किसके द्वारा? डॉक्टर ब्लेड के द्वारा साफ कर दिया जाता है। और ये नॉन इमेज एरिया की इंक तो साफ हो गई। अब करना क्या है, ये इम्प्रेशन सिलेंडर है तो अब हमें इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से सब्सट्रेट पर इमेज एरिया की इंक को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से इमेज एरिया की इंक सब्सट्रेट पर छप जाती है सीधा सीधा, और इमेज एरिया की इंक, पहले हमने नॉन इमेज एरिया की इंक लिखा जिसे डॉक्टर ब्लेड के द्वारा साफ कर दिया जाता है। अब इमेज एरिया की इंक इम्प्रेशन सिलेंडर की सहायता से सब्सट्रेट पर प्रिंट कर लिया जाता है। ये तो इसकी कार्यविधि है कि एक इंक डक्ट होता है और एक ग्रेवियर सिलेंडर होता है, और ग्रेवियर सिलेंडर पर इमेज कैरियर लगा हुआ होता है जो आधा इंक में डूबा हुआ चलता है,
और बीच में एक सब्सट्रेट लगाएंगे, पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर इम्प्रेशन सिलेंडर रहता है। तो जब इम्प्रेशन सिलेंडर से इम्प्रेशन दिया जाता है तो इमेज एरिया की इंक सब्सट्रेट पर छप जाती है और नॉन इमेज एरिया की इंक डॉक्टर ब्लेड के द्वारा साफ कर दी जाती है। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है? यानी सूटेबिलिटी मतलब इससे हम क्या क्या छाप सकते हैं। सूटेबिलिटी इस प्रिंटिंग प्रोसेस से बड़े साइज के मैप करेंसी नोट और क्या क्या छाप सकते हैं। चेकबुक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, और क्या एक होता है स्टैम्प पेपर, आदि को छापा जा सकता है। रंगीन कलर के पेपर भी इससे छापे जाते हैं। रंगीन कलर के पेपर अधिक संख्या में छपने वाले जॉब आसानी से छपते हैं। क्योंकि ये प्रिंटिंग मशीन बहुत ही महंगी है, इसीलिए ज्यादा पेपर छापेंगे तभी हमें इससे फायदा होगा, अन्यथा हमारा घाटा लगेगा। इसीलिए हम जब हमें बहुत ज्यादा संख्या में कापियां छापनी रहती हैं तो हम इस प्रिंटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इसका उल्टा, कम संख्या में छपने वाले जॉब महंगे पड़ते हैं। कम संख्या में छपने वाले जॉब महंगे पड़ते हैं और प्रिंटिंग के दौरान जो गलतियां हो जाती हैं उसे सुधारना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्पीड तेज होती है। इसीलिए प्रिंटिंग के दौरान जो गलतियां हो जाएंगी उसे हम सुधार नहीं सकते, इसीलिए हमें पहले से ही उसको चेक कर लेना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। प्रिंटिंग के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना संभव नहीं है। प्रिंटिंग के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्पीड तेज रहेगी, इसीलिए इसे हम रोक नहीं सकते हैं बीच में। और हमारा ये खत्म हुआ। पहले शुरू से क्या था कि एक इंक डक्ट होता है और उसमें एक ग्रेवियो सिलेंडर लगा रहता है जिसके ऊपर
इमेज कैरियर लगा हुआ होता है। इमेज कैरियर में इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया होती है। तो इमेज एरिया नीचे और नॉन इमेज एरिया ऊपर होता है, और इसमें ये इंक में आधा डूबा हुआ चलता है, जिससे इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों पर इंक लग जाती है। इमेज एरिया की इंक इम्प्रेशन सिलेंडर द्वारा पेपर पर प्रिंट कर लिया जाता है, और नॉन इमेज एरिया की इंक डॉक्टर ब्लेड के द्वारा साफ कर दिया जाता है। ये इसका प्रिंटिंग प्रोसेस है, और इसकी सूटेबिलिटी है इससे बड़े साइज के मैप, करेंसी नोट्स और स्टाम्प पेपर, चेकबुक आदि को छापना आसान होता है, और रंगीन कलर के अधिक संख्या में, यानी जो ज़्यादा रहेगा तभी हम इससे छापेंगे, और कम संख्या में छपने वाले जॉब महंगे पड़ जाएंगे, और इस मशीन को रोककर सुधार करना संभव नहीं है। थैंक यू।